एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं ब्रिंजल स्लाइस। ब्रिंजल एक ऐसी सब्जी है जो हर किसी को पसंद नहीं आती है, खासतौर पे बच्चों को। तो हम आज कुछ इस तरह से इसको बनाएंगे कि सभी को पसंद आएगी, खासतौर पे बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगी। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं ब्रिंजल स्लाइस। ब्रिंजल स्लाइस बनाने के लिए हमने एक बैंगन लिया है जो कि बहुत ही लाइट वेट का है और सॉफ्ट है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि टाइट होगा तो उसमें बहुत बीज निकलेंगे तो हमारा ब्रिंजल स्लाइस अच्छे नहीं बनेंगे। फिर हमने मसाले लिए हैं, नमक है, हल्दी है, धनिया है, मिर्च है, सौंफ है, इसको मैंने क्रश कर लिया है, और ये अमचूर पाउडर है, थोड़ा सॉस है और आटा है। अब हम सबसे पहले मसालों को मिक्स करेंगे और ब्रिंजल की स्लाइस काटेंगे। ब्रिंजल स्लाइस बनाने के लिए हमने देखिए ब्रिंजलों को स्लाइस में काट लिया। आप देखिए हमारा कितना अच्छा बैंगन निकला है, बिल्कुल इसमें बीज नहीं है बिल्कुल भी। तो अब हमने ये स्लाइस काट लिए हैं और हम इन मसालों को मिक्स करेंगे। ये हाफ टेबल स्पून नमक है, ये हल्दी है, ये धनिया है, ये मिर्च है, ये थोड़ी सी मैंने सौंफ भी क्रश करके रखी है, और ये अमचूर पाउडर है। अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे इस तरह से। हमें ड्राई मसाले चाहिए बिल्कुल, इसमें हमें और कुछ डालने की जरूरत नहीं है। अब हम ब्रिंजलों को इस तरह से इसमें बीच में ऐसे तरह से चीरे लगाएंगे। चीरा इस तरह से लगाएंगे कि ये पीछे तक पहुंच जाए। ये देखिए इस तरह से हम उनको चीरा लगा लेंगे और इनको स्पेस मसाले को इस तरह से पूरे में लगा देंगे। मतलब हमें इन स्लाइसों को मैरिनेट करके और थोड़ी देर के लिए रखना है। दोनों तरफ से हम लगा देंगे। इस तरह से हम इनको हमें बैंगनों को बहुत जल्दी काट के नहीं रखना है, नहीं तो ये कड़वे हो जाते हैं, ये तो आप सभी को पता ही है, इसलिए हम तुरंत ही ये सब करेंगे। इस तरह से हम सारी स्लाइसों पे ये अच्छे से लगा के 5 मिनट के लिए इनको 5-10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए हमने सारे ब्रिंजलों पे साफ पे मसाला लगा दिया है इस तरह से। अब हम इसको 15-20 मिनट के लिए छोड़ेंगे। शायद मैंने गलती से 5-7 मिनट बोल दिया था पहले, तो इनको हम 15-20 मिनट के लिए छोड़ेंगे जिससे ये अंदर तक पूरा मसाले को ऑब्जर्व कर लें। तब हम इन्हें इस तरह से ही रख देंगे। ये देखिए हमारे 15-20 मिनट हो गए हैं और हमारे ब्रिंजल स्लाइस बिल्कुल मैरिनेट अच्छे से हो गए हैं। इन्होंने पानी छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं गीले हो गए हैं बिल्कुल। ये देखिए अब हम इन्हें आटे में डिप करेंगे, फ्राई करेंगे। तो आप ये देखिए हमने आटे के अंदर, आप चाहे तो आटा बिल्कुल ऐसा भी ले सकते हैं, इसमें कुछ भी ना डालें, और आपको थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए तो इसमें बिल्कुल हल्के से नमक और मिर्च डालें। तो मैंने बहुत ही मामूली सा नमक और मिर्च इसमें मिलाया है। एक एक स्लाइस को उठाएंगे और इस तरह से इसमें आटे में इस तरह से इसको बहुत ही अच्छे से लपेट लेंगे और फिर इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। आप चाहें तो आटे की जगह बेसन भी ले सकते हैं इस तरह से। सबको हम इस तरह से लपेट के हमने फ्राई करने के लिए
गैस के ऊपर तेल को चढ़ा दिया है। इस तरह से हम इन सबको कर लेंगे और हम तेल को गरम करेंगे। ये हमने नॉनस्टिक तवा ले लिया है और गरम भी हो गया हमारा, इसमें तेल डाला था जो हमने। अब हम इसको इस तरह से फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम पे ही रखेंगे। दोनों तरफ से हम इनको लाल होने तक सेकेंगे। बच्चे हमारे बैंगन नहीं खाते हैं, पसंद नहीं करते हैं, तो इस तरह से आप ये बना के हमको खिलाएंगे तो ये बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। बच्चे इतना पसंद करेंगे इसे कि हमेशा ही बोलेंगे कि मम्मी ब्रिंजल स्लाइस बनाओ। इस तरह से हम इनको गैस की फ्लेम हमें मीडियम पे ही रखनी है। ये देखिए हमारे ये सिक गए हैं। अब हम इन्हें हटा लेंगे और बाकी की जो हमारी बाकी स्लाइस हैं उनको भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारे सारे ब्रिंजल स्लाइस हमने फ्राई कर लिए हैं। इसमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे ब्रिंजल भी गल जाने चाहिए अच्छे से। वैसे तो वो काफी स्लाइस पतली होती है तो ये गल ही जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रख लें। अब जो हमारा लास्ट स्टेप है वो ये है कि अब हम इसके ऊपर सॉस लगाएंगे इस तरह से। यदि किसी को सॉस पसंद नहीं है तो आप इस पे इमली की चटनी भी लगा सकते हैं या हरा धनिया की चटनी भी लगा सकते हैं यदि किसी को मीठा पसंद नहीं है तो। इस तरह से हम सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा सॉस लगा देंगे। इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, स्पाइसी भी, थोड़ा मीठा भी, खट्टा भी, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इस तरह से आप चाहें तो एक तरफ हरे धनिया की चटनी भी लगा सकते हैं इस पे, और चाहें तो इस तरह से ही इसको खा सकते हैं। अब ये हमारे बिल्कुल सर्व करने के लिए तैयार हैं। अब हम इन्हें सर्व करेंगे। ब्रिंजल स्लाइस हमारे देखिए बिल्कुल तैयार हैं, हमने सर्व कर दिए हैं। आप इसे किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं, पूड़ी के साथ, पराठे के साथ। मेरी आप रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही हम लौटेंगे नई रेसिपी के साथ।